अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी विद जनन। वेलकम टू एस्टूडेंट चैनल। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपका बायोलॉजी का सेकंड टेस्ट है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है हु डिवाइडेड इन नेचर इनटू थ्री किंगडम, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल। कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरे नेचर को तीन किंगडम्स में डिवाइड किया था बेसिस ऑन की मिनरल, वेजिटेबल और एनिमल में? तो हमारे पास राइट ऑप्शन है बी एंड डी, कैसर पिनो। ठीक है, हमारे पास सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा द अर्लीस्ट नोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक क्लासिफायर। सबसे पहले जहां से क्लासिफिकेशन की स्टार्ट हुई थी, जब क्लासिफिकेशन, वो कौन सा साइंटिस्ट ने हमें दिया था? तो वो जहां से एक वर्ड क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है किसी सिस्टम में, वो जो आइडिया था वो हमें दिया था ग्रीक क्लासिफायर एरिस्टोटल ने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो जो भी हमारे पास स्पीशीज हैं उनको जो कैटेगराइज करते हैं हम इनटू द क्लासेस एंड देन क्लास में मेन हमारे पास आ गया है स्पीशीज। तो वो हमें दिया था, हमारे पास राइट ऑप्शन है कार्निवोर। ठीक है, जो इसका लास्ट वाला ऑप्शन था डी, वो करेक्ट है, हमारे पास कार्निवोर ने दिया था। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो वो मिलकर बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, ये तीनों चीजें सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर वैसे देखा जाए कि जो सबसे ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो हमारे पास लिपिड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन की बात करें तो उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम रहते हैं वो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ। माइक्रोफिलामेंट्स की कंपोजिशन की बात करें तो किससे मिलकर बने होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन। नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल की हमने तीन लेयर्स पढ़ी थी, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम प्लांट की बात करें तो किससे मिलकर बनी होती है? मेनली जो कंपोजिशन होती है सबसे ज्यादा वो सेलुलोज की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट नहीं है? ठीक है, इसमें हमारे पास लिपिड्स हैं, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है ज्यादातर मेनली देखते हैं तो लिपिड ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड होती है मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी थे और प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बल्कि स्मॉलर। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो डीएनए है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं है? इट विल बी द डीएनए। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास तीन चॉइस के, आपने हर एक दो क्वेश्चन से उनमें से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाई वायरसेस दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइव किंगडम सिस्टम। वायरसेस जो हैं उनको फाइव किंगडम सिस्टम से क्यों एक्सक्लूड किया गया है? सबसे पहले अगर हम उसकी देखें तो उसको एक्सक्लूड देखें तो वो हम उसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग क्योंकि उसके अंदर कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी होस्ट में चला जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो वायरस लिविंग है या फिर वो अपनी रेप्लिकेशन करता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन पे काफी सारी डिबेट हुई, क्या इसको कौन से किंगडम में रखें, कौन सी क्लासिफिकेशन देने ना करें। दूसरी बात ये की कि इसकी डिपेंडेंसी क्या है होस्ट पे, ये होस्ट पे डिपेंड करता है। जब ये किसी भी होस्ट से ऑर्गेनिज्म दूसरे में जाएगा उसकी जो मशीनरी उस पर डिपेंड करके अपनी जो उसका जेनेटिक मटीरियल है उसको रेप्लिकेट करता है, खुद इसके पास एबिलिटी रेप्लिकेशन की नहीं है। उसके बाद जेनेटिक मटीरियल की बात करें तो उसका जो जेनेटिक मटीरियल मिलकर बना होता है डीएनए से और दूसरा होता है आरएनए से। ठीक है, ज्यादातर इसका जेनेटिक मटीरियल आरएनए एंड डीएनए दोनों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम इसके अगर ओरिजिन की देखें तो हमारे पास ओरिजिन क्या है कि इनकी डाइवर्स ओरिजिन है। ठीक है, अगर उसमें देखा जाए तो किसी भी और जो हमारे सिस्टम है फाइव किंगडम सिस्टम उनसे किसी भी करेक्टरिस्टिक्स में ये मैच नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि वाज कोविड 19 पेंडेमिक और एंडेमिक। ठीक है, कोविड 19 का आपने बताया था कि पेंडेमिक है, एंडेमिक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि पेंडेमिक क्या होता है और एंडेमिक क्या होता है।
पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो जो भी डिजीज अभी भी कॉज हो रही है पीएचसी हमारे पास है, तो अगर किसी वाइड जियोग्राफिकल एरिया को वो हिट करिए, बहुत सारे रीजन को हिट करिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, पेंडेमिक होता है। जो कोविड 19 की अगर हम बात करें तो ये ऑब्वियस हमारे पास क्या था, एक पेंडेमिक था जिसने सिर्फ एक रीजन को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल एरिया था उनको हिट किया था। ठीक है, जब वाइड स्प्रेड हो जाए ज्यादा एरियाज को तो उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। कोविड 19 की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एक बार पेंडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है हाउ यू यूकेलिप्टस हार्म अदर स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, किस तरह से जो यूकेलिप्टस प्लांट्स हैं वो दूसरे जो स्मॉलर प्लांट्स हैं उनको अफेक्ट करता है। यूकेलिप्टस की अगर हम बात करें तो ये जो इनग्रिड स्मॉलर प्लांट्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो उसकी जो ऑब्जर्व वाटर एबिलिटी होती है वो एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल प्लांट्स क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये फिर आस पास के जो होते हैं वहाँ से अपना जो वाटर है वो ज्यादा ले लेते हैं, तो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं वो अपनी वाटर की पोजिशन है वो एबिलिटी जो होती है वो अपनी जो उन्होंने रिक्वायर्ड होती है वो पूरी नहीं कर सकते। दूसरी अगर हम बात देखें तो जो यूकेलिप्टस प्लांट होते हैं वो स्मॉलर जो एलोपैथी होती है, ठीक है, एबिलिटी होती है प्लांट की कि ऐसे बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करे, इसको हम क्या कहते हैं हीलियोकेमिकल्स। ठीक है, जो दूसरे जो हमारे स्मॉलर प्लांट होते हैं उनके साथ इंटरफेयर करते हैं और उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपने इंडिजिनस स्पीशीज बताने के लिए पाकिस्तान में कौन कौन सी है, अगर हम देखें तो वहाँ पर रिवर डॉल्फिन है, लेपर्ड है, हॉक और हिमालय पम, रेडियल इंडियन पेंगुइन और एशियन एलिफेंट, इन आपने स्पीशीज के सिर्फ नेम कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास हाउ लाइट माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किस तरह से डिफर करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें जिसमें हम विजिबल लाइट यूज करते हैं, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात आती है तो उसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, इट्स ज्यादा विजिबल लाइट। और जब हम रेजोल्यूशन की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की हमारे पास 400 to 700 नैनोमीटर है, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमारे पास ये रहती है 0.004 to 0.005। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम किसी दो डिस्टेंट पॉइंट्स को ज्यादा बेहतर या बेटर तरीके से देख सकते हैं तो उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसमें हम जो यूज करते हैं रेजोल्यूशन के लिए, इसमें विजिबल लाइट यूज करते हैं, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी डिफर करता है। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था हु ग्लेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जब आपने ये बताना था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, इट विल बी द एसएससीए एंड जी ऑप्शन इन 1972। हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई राइज़ोसोम्स आर सुसाइडल, व्हाई राइज़ोसोम्स क्या एक ऑर्गेनेली होती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम जो है सुसाइडल गैस क्यों बोलते हैं, तो निकनेम जो है सुसाइडल गैस को दिया गया क्योंकि इनके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सेल्स को क्या करें, डाइजेस्ट कर दें कम्प्लीटली। ठीक है, इस इनकी प्रॉपर्टी की वजह से इनको सुसाइडल गैस बोला जाता है, और बहुत सारे प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट भी होती है जहाँ पे किसी सेल अगर बॉडी में उसके भी हमने क्या होता है कि उसका फंक्शन पूरा हो गया है और वहाँ उसको डाइजेस्ट करना है सेल को, तो वहाँ पे लाइसोसोम आके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर जो उनकी क्या होती है सेल्स को डाइजेस्ट किया जाता है और फिर बॉडी से वो सीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन था कि डायग्राम जिसको आपने लेबल करना था, इसको अगर हम लेबल करें तो सबसे पहले ये डायग्राम है एक न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस की डायग्राम है जिसमें सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस के पास क्या है न्यूक्लियर पोर्स, और ये जो अंदर है डीएनए ये क्रोमेटिन की फॉर्म में है जिसको हम देखेंगे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल। दरमियान में जो है न्यूक्लियस के अंदर उसके हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद जो भी जिस तरह से सेल का एक साइटोप्लाज्म होता है इसी तरह से जो न्यूक्लियस का जो अंदर अंदर बैठे होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मिनरल और इस तरह से बाकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो जो ऑर्गेनिक होती हैं उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो आउटर है ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो ये हमारे पास डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। ठीक है, न्यूक्लियर के अंदर बात करते हैं हम।
तो ये थे हमारे जो आज का आपने टेस्ट दिया, हमने उनसे भी दो चार क्वेश्चन उसको डिस्कस किए। इसी तरह से जो आपके सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो का टेस्ट होगा उसको इसी तरह से डिस्कस किया जाएगा और वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा।